वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में और साथ साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। गैमेटो, तो गैमेट अगर इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या होगा। गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट जो स्पर्म प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है, मेल में, और ओवम किस में प्रेजेंट होता है, तो फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। ओवरी किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में। प्रोड्यूस क्या करता है, दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस अ गैमेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। वॉट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एक स्पर्म। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन होना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो प्यूबर्टी के समय से ही स्टार्ट हो जाता है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर साइड अंदर की वॉल में प्रेजेंट होता है। वो आगे जाके उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद उसके नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स जिसमें रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। इससे क्या हुआ, इससे जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉयड इन नेचर, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, इसका आधा क्रोमोसोम होगा। क्यों, क्योंकि इसके इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा, दूसरा मियोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से चार प्रकार की इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होगा। और यही स्पर्मेटाइड आगे जाके ट्रांसफर होंगे किसमें चेंज होंगे, स्पर्मेटोजोवा में, जिसे हम कॉमनली स्पर्म भी बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटाइड जो है वो ट्रांसफर हो गए, चेंज किसमें हो गए, स्पर्मेटोजोवा में चेंज हो गए। जब यही स्पर्मेटोजोवा में चेंज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड बिकम, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद मतलब अब तो स्पर्म रिलीज हो चुका है ना, तो ये स्पर्म जो है वो आगे जाके सर्टुलाइज सेल से क्या हो जाएगा, अटैच, इम्बेडेड का मतलब अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद अटैच होने के बाद वो फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और इसमें कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी के समय ही स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो होते अलग अलग प्रकार जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये सारे हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो कॉमनली बोल सकते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हेल्प करता है हार्मोन के सिक्रीशन में। तो अभी तो एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प कर रहा है हार्मोन के सिक्रीशन में। दो प्रकार के गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH बोलते हैं, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं। ये LH मतलब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे वर्क करता है, कल हमने डिस्कस किया था कि लिडिक सेल क्या होता है, तो ये LH हार्मोन लिडिक सेल पे एक्ट करता है और क्या करता है एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और ये एंड्रोजन जो रिलीज हो रहा है ये क्या करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो यहाँ पे LH है मतलब L से क्या होगा ल्यूटिनाइजिंग, यहाँ से L से क्या होगा लिडिक सेल, तो जहाँ पे LL मतलब वहाँ पे क्या LH और किसकी बात की जा रही, लिडिक सेल की बात की जा रही। तो LH हार्मोन किस पे एक्ट करता है, लिडिक सेल पे करता है। क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो FSH है ये क्या करता है, ये किस पे एक्ट करता है, सर्टुलाइज सेल पे एक्ट करता है। और सर्टुलाइज सेल पे एक्ट करने के बाद, सर्टुलाइज सेल के ऐड करने के बाद वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में वो भी हेल्प करता है। मतलब FSH हार्मोन और LH हार्मोन दोनों ही मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके तीन पार्ट होते हैं, मेन तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है जहाँ पर टेल रीजन प्रेजेंट होता है। इसकी जो पूरी बॉडी होती, इंटायर बॉडी मतलब स्पर्म की जो इंटायर बॉडी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती, किससे कवर्ड होती है, होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द स्पर्म हेड। अब स्पर्म के हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो ये टॉप पोर्शन होता है ये कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम एक्रोसोम बोलते हैं। इसी एक्रोसोम के अंदर एंजाइम फिल्ड रहता है और ये एंजाइम क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। पूछा जाएगा अगर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम इज फिल्ड बाय द एंजाइम, एंजाइम से फिल्ड होता है और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ताकि इजिली स्पर्म और ओवम एक दूसरे से अटैच हो सके। द मिडिल पीस ऑफ पोजेस, अब जो ये मिडिल पीस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जहाँ भी टर्म आए माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे हम किससे रिलेट करेंगे, एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप स्पर्म तो ऐसे तो मूव कर नहीं जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसको तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये स्पर्म जो है स्पर्म को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि इजिली स्पर्म जो है पहुँच सके किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँच सके। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, जो मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि ईजिली स्पर्म मोटाइल कर सके। अब एक दिन में कितना स्पर्म प्रोड्यूस होता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है प्रोड्यूस होता है जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, मतलब पहली बार जब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग होती तो उस समय 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। उसमें से 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, उसमें से भी मतलब ये 60% सिर्फ नॉर्मल शेप और साइज के हैं, उसमें से भी 40% स्पर्म जो है मोटिलिटी शो करते हैं, उसमें से भी 40% स्पर्म क्या शो कर रहे हैं, विग्रस मोटिलिटी शो कर रहे हैं। मतलब सारे स्पर्म तो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो मूव कर पाएगा वही फीमेल ट्रैक तक पहुँच पाएगा, जो मूव नहीं कर पाएगा वो नहीं पहुँच पाएगा। जैसे ये क्या स्पर्म का डायग्राम है, ये इसकी पूरी एनवलप होते हैं, कवर्ड होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। इसी एक्रोसोम के अंदर क्या फील्ड रहता है, एंजाइम फील्ड रहता है, एंजाइम करता क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या है, इसका नेक पार्ट है, ये मिडिल पार्ट जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इसका टेल रीजन है और ये इसका पूरा हेड है। ये जो टेल होता है ये इसकी पूरी बॉडी ही जाके ओवम से अटैच होती है, बाकी ये जो टेल रीजन होता है ये तो डिस्ट्रॉय, मतलब ये तो बस हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ताकि इजीली जो है स्पर्म फीमेल ट्रैक तक पहुंचे। जैसे ही स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाता है तो ये टेल क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है और उसी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म रिलीज कहाँ से होता है, स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट की हेल्प से वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, मतलब ट्रांसफर होता है। कल हमने इसके फंक्शन के बारे में स्टडी किया था कि स्पर्म जो है कैसे पहुँचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक। अब ये सीमेन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म इज नोन एज सीमेन। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट मतलब फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस, जो कि बिल्कुल ही अलग होता है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन द कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल आर फॉर्म विद इन ईच फेटल ओवरी, नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। ऊजेनेसिस क्या होता है, ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही होता है, जिस समय जो है नंबर्स ऑफ जो है क्या बनते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ऊगोनिया बोलते हैं। कोई भी ऊगोनिया बर्थ के बाद नहीं बनता, बर्थ के समय ही, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता, उसके बाद ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन, अब ये जो ऊगोनिया है ये क्या करेंगे, डिवीजन शो करेंगी, तो ये डिवीजन शो करती हैं और सबसे पहले इनके अंदर क्या होता है, प्रोफेस वन होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे जो है प्राइमरी ऊसाइड का फॉर्मेशन होता है। यही प्राइमरी ऊसाइड जो है ये नंबर ऑफ ग्लैनुलोसा सेल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जैसे कि ऐसे ये प्राइमरी ऊसाइड हो गया, अब ये प्राइमरी ऊसाइड बहुत सारी क्या होगी, ग्लैनुलोसा सेल से, ग्लैनुलोसा का मतलब बहुत सारे ग्रैन्यूल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज, यही जो प्राइमरी फॉलिकल है, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है बर्थ के समय ही, मतलब फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। कितने डीजनरेट हो जाते हैं, कम से कम 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो है लेफ्ट इन द ईच ओवरी, हर एक ओवरी में बचे रहते हैं। कितने बचे रहते हैं, 60 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन द ओवरी। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके और भी बहुत सारे ग्लैनुलोसा सेल से क्या होंगे, सराउंडेड हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। यही सेकेंडरी फॉलिकल जो है आगे जाके किस में चेंज होता है, टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगा, और टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती, जिसे हम एंट्रम बोलते हैं, द थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनर थीका इंटरना एंड आउटर। ये जो लेयर बनती है दो लेयर में डिवाइड होते हैं, एक होता है इनर एक होता है आउटर। अब उसके बाद प्राइमरी ऊसाइड विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब उसका डिवीजन कंप्लीट होगा। उसके बाद ये जो सेकेंडरी ऊसाइड फॉर्मेशन हुआ है, मतलब टर्सरी फॉलिकल बना, अब उसके बाद जो है क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल के बाद जो है सेकेंडरी ऊसाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी सेकेंडरी ऊसाइड के समय, इसी सेकेंडरी ऊसाइड में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। किस में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी ऊसाइड में होगा। और जैसे ही सेकेंडरी ऊसाइड में पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पेपर में पूछा जाता है नीट के पेपर में कि फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो पहला पोलर बॉडी बनेगा,
और इसी सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। द सेकेंडरी ऊसाइड रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ऊसाइड। अब यही सेकेंडरी ऊसाइड और जो प्राइमरी ऊसाइड है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, इसमें पूछा गया है कि हाँ पहला म्योटिक डिवीजन जब होगा तो पहला पोलर बॉडी बनेगा और सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस द टर्सरी फॉलिकल फर्दर। अब यही टर्सरी फॉलिकल आगे जाके किसमें चेंज होता है, मैच्योर फॉलिकल जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। द सेकेंडरी ऊसाइड, अब यही सेकेंडरी ऊसाइड जो है एक नई लेयर बनाती है जिसे जोना प्लेसुडा लेयर बोला जाता है और उसके बाद उसको क्या करती है, सराउंडेड कर लेती। जोना प्लेसुडा लेयर के फंक्शन हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते। जोना प्लेसुडा एक ऐसी लेयर होती है जैसे कि ओवम है, यहाँ पे जैसे ही एक स्पर्म इंटर किया तुरंत जोना प्लेसुडा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ताकि फदर और स्पर्म इंटर ना कर सके। इसी वजह से जैसे ही आप ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि एक साथ दो स्पर्म आके अटैच हो सकते ओवम से, तब जाके ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से बहुत ही रेयर कंडीशन में ट्विंस का फॉर्मेशन होता है क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म अटैच हो जाता है तुरंत ये लेयर बन जाती है। कौन सी लेयर है, जोना प्लेसुडा लेयर बन जाती है वो, ताकि एडिशनल और स्पर्म को इंटर ना कर सके। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और वो क्या रिलीज करता है, वहाँ से जो है एक ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज ओवुलेशन, रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। जब ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। जैसे ये ओवरी का डायग्राम है, ये ओवम है और ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर जो होता है येल्लो होता है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। और ये नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। और यहीं पे क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल भी होता है, उसकी लेबलिंग नहीं दी गई। और ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। और ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जिससे जाके ओवम रिलीज होता है, और जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन। कभी कभी ओवरी का डायग्राम, स्पर्म का डायग्राम, ये दोनों डायग्राम जो है मे बी बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, ओजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया। और एक चीज़, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट जो है मे बी नीट बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, नीट के पेपर में पूछा जा सकता है। कहीं कहीं लेबलिंग हटा दी गई, उसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है। बोर्ड के पेपर में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये आराम से इजिली ये फ्लो चार्ट बना सकते। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मेंसुरल साइकिल क्या होता है और ऐसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंसुरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, हम इसी चैप्टर में, मतलब इसी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि प्राइमेट्स के अंदर ही मेंसुरल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होता है। तो प्राइमेट्स में कौन सी साइकिल होती, मेंसुरल साइकिल होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया मंकी, हो गया एप्स, हो गया ह्यूमन बींग, इन सब में क्या होता है, मेंसुरेशन होता है, मेंसुरल साइकिल होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मेंसुरेशन होता है, मतलब प्यूबर्टी के समय जब मेंसुरेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेनार्च बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंसुरेशन इज रिपीटेड एट एवरेज, कब कब मेंसुरेशन होता है, हर मंथ होता, मतलब 28 या फिर 29 डेज पे मेंसुरेशन होता है। टिल नेक्स्ट वन इज साइकिल कॉल्ड मेंसुरल साइकिल, एक साइकिल चली फिर से एक साइकिल रिपीट हुई, फिर से एक साइकिल चली फिर से एक साइकिल रिपीट हुई, इसी को बोला जाता है मेंसुरल साइकिल। अब मेंसुरेशन होता क्या है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच हर एक मेंसुरल साइकिल के समय एक ओवम रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेंसुरेशन। कुछ इवेंट्स होते हैं मेंसुरेशन के जो कि फिगर 3.9 में दिया गया है। द साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंसुरल फेस, चार प्रकार के फेसेस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेंसुरेशन, एक होता है फॉलिकुलर फेस, तीसरा होता है ल्यूटियल फेस, और इसके बीच में मतलब फॉलिकुलर फेस के बाद जो है आता है ओवुलेटरी फेस, उसके बाद जो है ल्यूटियल फेस। तो ये चार प्रकार के फेसेस होते हैं। तो हम एक एक फेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में।
ये साइकिल स्टार्ट होती है मेंसुरल साइकिल से, जहाँ पे क्या होता है मेंसुरेशन फ्लो होता है, कितने दिन तक होता है, लास्ट 3 to 5 डे तक होता है। द मेंसुरल फ्लो रिजल्ट, अब मेंसुरेशन होता कैसे, मेंसुरेशन होता है जब, कल हमने डिस्कस किया था कि यूट्रस की 3 लेयर होती, कौन कौन सी, पेरी, इंडो और जो है मीसो होती, तो ये जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती यूट्रस की, ये ब्रेक डाउन होती है, ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती ब्लड वेसल से फिल रहती है, अब उसके बाद ये टूटती है, टूटने के बाद क्या होता है वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेंसुरेशन। अब पूछा जाए क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यूट्रस की इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्लड वेसल से फिल्ड क्यों है, ऐसे हर एक मंथ एक ओवम रिलीज होता है, उस ओवम को वो लेने के लिए तो जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड होती है, तो जब ओवम रिलीज हुआ अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तब तो मेंसुरेशन नहीं होगा, तब तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा, बट अगर जो ओवम हर मंथ रिलीज हो रहा है वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तब क्या होता है, तो यही जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है जो खुद को प्रिपेयर की थी उस ओवम को रिसीव करने के लिए वो ब्रेकडाउन हो जाती है, ब्रेकडाउन होने के बाद ओवम भी टूट गया, वो भी रप्चर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, उसके बाद वजाइना से क्या होती है ब्लीडिंग होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ओनली अकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मेंसुरेशन तभी होगा जब जो ओवम रिलीज होता है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंसुरेशन होगा, बट अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंसुरेशन नहीं होता है। लैक ऑफ मेंसुरेशन में भी इन, अब बोल दिया जाता अगर बोला किसी के अंदर मेंसुरेशन नहीं हो रहा तो मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं होता, मेंसुरेशन कभी कभी नहीं होता है तो उसके पीछे और भी रीज़न होते, कभी कभी जो भी वुमेन या फिर जो भी गर्ल स्ट्रेस में रहती या फिर उनकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है या फिर और भी बहुत सारे मेंटली सोशली कोई भी प्रॉब्लम होती है उस समय भी मेंसुरल साइकिल क्या होती है डिसबैलेंस हो जाती है। उसके बाद मेंसुरल फेज के बाद कौन सा फेज आता है, फॉलिकुलर फेज आता है, इस फेज में क्या होता है तो जो प्राइमरी फॉलिकल है इन द ओवरी ग्रो टू बिकम, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, उसी के साथ साथ और क्या होता है इंडोमेट्रियम, इसके पहले क्या हुआ था मेंसुरेशन हुआ था तो इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी डैमेज हो गई थी, फिर ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो दोबारा से रीजनरेट होगी, किस समय प्रोलिफिकेशन होगा, इसे प्रोलिफिटिक फेज भी बोला जाता है फॉलिकुलर फेज में, तो फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, उसी के साथ साथ इंडोमेट्रियम जो वॉल होती है यूट्रस की वो रीजनरेट होती है। दीज चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंज इन द लेवल ऑफ प्यूट्रिटरी एंड ओवरियन हार्मोन, अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं कहीं पे जो है इंडोमेट्रियम वॉल जनरेट हो रही है तो कहीं पे प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा, जो ओवरियन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और जो पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से जैसे हो गए LH हार्मोन FSH हार्मोन ऐसे तो पिट्यूटरी रिलीज हो रहा है, और ओवरियन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं हेल्प करते, किस में हेल्प करते हैं मेंसुरेशन में हेल्प करते हैं। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, अब ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया कौन कौन सा हार्मोन हो गया LH हो गया और FSH हार्मोन हो गया, ये दोनों हार्मोन LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों हार्मोन फॉलिकुलर फेस में क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों इंक्रीज होते हैं क्योंकि इस समय क्या होता है इस समय इंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो दोबारा से रीजनरेट होती है, तो वो जब रीजनरेट होगी तो उसके रीजनरेशन में नंबर्स ऑफ बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, और क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल जो है वो किस में चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। तो अगर पूछा जाए फॉलिकुलर फेस में या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा फेस होता है जिसमें LH हार्मोन और FSH हार्मोन के नंबर मतलब ये दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो किस समय होते हैं फॉलिकुलर फेस में होते हैं, ताकि ये जो इस्ट्रोजन हार्मोन के भी नंबर को इंक्रीज कर सके और इजिली इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रिएट कर सके। बोथ LH एंड FSH अटेन अ लेवल, अब ये जो उसके बाद जो है फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेज आता है ओवुलेटरी फेज आता है, जिसे हम मिडिल साइकिल भी बोल सकती है मिडिल फेज बोल सकते हैं, जो कि 14 डेज पे होता है, इस समय LH और FSH दोनों ही हाई पीक पे चला जाता है, क्यों चला जाता है हाई पीक पे, क्योंकि इस समय जो है ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और उसी से ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन।
मतलब ओवुलेटरी फेज, जिसे हम मिडिल साइकिल बोलेंगे, कब होता है? 14 डेज पे होता है। इस समय क्या होता है, दोनों ही LH और FSH जो है हाई पीक पे चले जाते हैं। ता हाई पीक पे क्यों जाते, जिसे हम LH सर्ज भी बोल सकते हैं, ताकि वो दोनों क्या कर सके, वो तोड़ सके, किसको तोड़ सके, ग्राफियन फॉलिकल को, और ताकि उससे ओवम रिलीज हो सके, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। द ओवुलेशन, दैट्स ओवुलेटरी फेज। उसके बाद ओवुलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आता है, ल्यूटियल फेज आता है। इस समय क्या होता है, जो बचा खुचा ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब अभी तो ग्राफियन फॉलिकल रिलीज किया है ओवम, और फिर उसके बाद जो बच जाता है, तो जो बचा खुचा ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसी कॉर्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, ये इंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। और सच इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब मेंटेन करेंगे इंडोमेट्रियम को, फिर से इंडोमेट्रियम खुद को प्रिपेयर करेगा, ब्लड वेसल से फिल्ड होगा ओवम को रिसीव करने के लिए, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन हो सके, लेडी प्रेग्नेंट हो सके। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट, प्रेगनेंसी के समय जितने भी इवेंट होते हैं मेंसुरल साइकिल, वो सब स्टॉप हो जाते हैं, कोई भी मेंसुरेशन नहीं होता है प्रेगनेंसी के समय। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम है दोबारा से डीजनरेट हो जाता है। अब उसके बाद ये साइकिल ऐसे चलती है, फिर नई साइकिल, एक साइकिल ख़त्म होती, फिर नई साइकिल क्या होती, स्टार्ट हो जाती। उसके बाद मेंसुरल साइकिल जो है वो 50 ईयर तक परमानेंट, मतलब 50 साल आते आते ही क्या होता है, पूरी तरीके से स्टॉप, परमानेंट के लिए ही स्टॉप हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। अब हम देखते हैं मेंसुरल साइकिल का डायग्राम। जैसे ये मेंसुरल साइकिल का डायग्राम है, चार फेसेस होते हैं, कौन कौन से, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हम फेस बोल सकते हैं। तो मेंसुरेशन जो होता है वो फर्स्ट से लेकर 5 डे तक होता है, या फिर 7 बोल सकते हैं। उसके बाद 8 से लेकर 13 तक क्या होता है, फॉलिकुलर फेस होता है। फिर 14 जो है तो ओवुलेटरी फेस होता है। फिर उसके बाद 16 से लेकर 23 तक ल्यूटियल फेस होता है। उसके बाद 23 या 4 सकते हैं, 28 तक होता है। उसके बाद नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो यूट्रस में इवेंट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही यूट्रस में। उसके बाद यहाँ पे ओवरी के हार्मोन्स दो होते, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही क्या करेंगे, कभी इनका लेवल हाई होता है तो कभी इनका लेवल लो होता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं मेंसुरेशन में। फिर क्या होता है, ये जो फॉलिकल हैं ये डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, डेवलप हो रहे हैं, आगे जाके ये मैच्योर फॉलिकल में फॉर्मेशन होते हैं। फिर यही मैच्योर फॉलिकल से क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। और इसी ये जो ओवुलेशन हुआ है, इस समय क्या होता है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों ही पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, इनका लेवल हाई पीक पे चला जाता है, और इसे हम LH सर्ज भी बोल सकते हैं। हाई पीक पे क्यों जाता है, क्योंकि इस समय ओवुलेशन होता, ओवम रिलीज होता, तो उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या हो गया, ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अगर जो है कुछ भी नहीं हुआ, मेंसुरेशन हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये रिग्रेस हो जाता है, आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, रिग्रेस हो गया। तो ओवरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटरी हार्मोन, LH और FSH। तो ये चारों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, मेंसुरेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में डिटेल में मेंसुरेशन के बारे में स्टडी किया, आने वाले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।